हेलो वेलकम टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट और आज मैं अप्लाई हूँ आपके लिए 16x56। फ्रंट है और बैक है इसकी 16 फीट 3 इंच और जो इसकी डेप्थ है वो आपकी 56 फीट है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर आपका मेन गेट। एंट्री करते ही आपका पार्किंग एरिया है यानी कि पोर्ट। इसका साइज़ आपको दिया गया है यहाँ पर 9 फीट बाय 15 फीट 1 इंच का ये आपको दिया गया है पोर्च। इसी के साथ आपको जो आपके गेस्ट आएंगे उनके लिए दी गई है WC। इसका साइज़ है आपका 2 फीट 9 इंच बाय 3 फीट 4.5 इंच की WC आपकी बनाई हुई है, जो आपके गेस्ट आएंगे वो इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखने के लिए मिल जाता है आपको 3 फीट का स्टेयर केस यानी कि जीना, जो यहाँ से स्टार्ट होता है और आप ऐसे घूम करके फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। स्टेयर केस के नीचे ही आपको देखने के लिए मिल जाता है टॉयलेट, जिसका डोर आपको देखने के लिए यहाँ से मिल जाता है। 3 फीट का ये डोर दिया हुआ है। टॉयलेट का साइज़ है आपका 3 फीट बाय 7 फीट की आपको ये टॉयलेट देखने के लिए मिलती है। टॉयलेट और WC के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया है, यहाँ से इसका वेंटिलेशन हो जाएगा। इसी के साथ जो इन दोनों का सेप्टिक टैंक आएगा वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। सेप्टिक टैंक के लिए हमने ये दे दिया है। उसके बाद सामने देखने के लिए मिल जाता है आपको आपका ड्राइंग रूम, जिसका डोर आपको यहाँ से दिया हुआ है। जो आपके गेस्ट आएंगे वो इस डोर से आ जाएंगे और आपको जो पर्सनल डोर दिया हुआ है वो आपको ये दिया हुआ है। ड्राइंग रूम का साइज़ है आपका 11 फीट 1.5 इंच बाय 10.5 फीट का ये ड्राइंग रूम बनाया गया है। ड्राइंग रूम के वेंटिलेशन के लिए आपको ये विंडो देखने के लिए मिल जाती है। एक विंडो ये रही और दूसरी विंडो ये रही, दो विंडोज़ आपको दी हुई है। यहाँ से फुल रोशनी और हवा आपकी आ जाएगी। इसी के साथ ड्राइंग रूम में भी आपको 2 फीट की अलमीरा दी हुई है, आप इसमें कुछ सामान वगैरह भी रख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इस डोर से अपने अंदर की तरफ। तो ये आपका पैसेज है, इससे अंदर आते हैं तो आपको देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर लॉबी। लॉबी का साइज़ है आपका 9 फीट 7.5 इंच बाय 14 फीट 4.5 इंच की ये लॉबी आपको दी गई है। लॉबी के इस साइड आपको देखने के लिए मिल जाता है किचन राइट हैंड साइड पर ही, जो कि 20 से आपको डोर दिया गया है। आप चाहें तो 20 से ओपन भी रख सकते हैं। 5.5 फीट बाय 11 फीट 1.5 इंच का ये किचन बनाया गया है। इसी के साथ आपको इसमें 2 फीट की स्लेब भी देखने के लिए मिल जाती है। और वेंटिलेशन की बात करें इसमें तो आपको ये विंडो दे दी है, यहाँ से रोशनी और हवा दोनों आपकी आ जाएगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये आपका एक बेडरूम है जिसका डोर आपको 3.5 फीट का दिया गया है। 11 फीट बाय 13 फीट का ये बेडरूम बनाया गया है। इस बेडरूम से अटैच है आपका स्टोर और बाथ। स्टोर के लिए आपको जो डोर दिया है वो हमने 2.5 फीट का दिया हुआ है। 4 फीट 1.5 इंच बाय 7 फीट 7.5 इंच का स्टोर आपको बनाया गया है इसी से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं बेडरूम से दूसरी साइड आपका बाथ, जिसका डोर आपको 2.5 फीट का दिया गया है। 4 फीट 1.5 इंच बाय 5 फीट की आपकी बाथ है, जो कि आपके बेडरूम से अटैच है। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी यहाँ पर दे दी है। अगर आपको बेड ख़रीदना है या फिर आपको सोफ़े वगैरह ख़रीदना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।